हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भारत की नंबर 3 PSU बैंक पंजाब नेशनल बैंक। आपको पता होना चाहिए कि भारत की नंबर 1 तो SBI है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है, और उसके बाद यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक भारत की सबसे बड़ी तीसरी PSU सेक्टर की बैंक है। तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक में बहुत ही धमाकेदार खबर निकल करके आ रही है। आपको पता होना चाहिए कि जुलाई मंथ में यहाँ पे क्वार्टर 1 की सीजन चल रही है, और सभी कंपनियाँ यहाँ पे अपना क्वार्टर 1 का नंबर प्रेजेंट कर रही है। तो हमें यहाँ पे जानना इतना जरूरी हो जाता है कि कौन सी कंपनी के कैसे नतीजे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इस जो क्वार्टर था उसमें कोरोना की सेकंड वेव भी शामिल थी। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वार्टर के नंबर है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसी शेयर के लिए और यहाँ पे पूरे के पूरे सेक्टर के लिए। तो पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर यहाँ पे MT ग्लोबल ने धमाकेदार नतीजे प्रेजेंट करे है कि यहाँ पे जो क्वार्टर 1 के नंबर है उसका एस्टिमेट यहाँ पे MT ग्लोबल की तरफ से किया गया है। तो नंबर आपको सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा, और साथ ही साथ पंजाब नेशनल बैंक में एक और धमाकेदार खबर है जिसके चलते यहाँ पे आगे जाकर के मुझे लगता है बहुत बड़ा बूम आने की संभावना है। तो इस वीडियो के साथ पूरा पूरा जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। यहाँ पे हम बात स्टार्ट करेंगे क्लोजिंग के साथ। तो यहाँ पे क्लोजिंग आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो दोस्तों, क्लोजिंग की बात करें तो 40 रुपए 40 पैसे के आसपास क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको लाइट कर दूं, यहाँ पे 30 पैसे डाउन, 0.74% की गिरावट रही थी। हालांकि PSU सभी के सभी बैंकों में आज कमजोरी का माहौल देखने को मिला था, इसी के चलते पंजाब नेशनल बैंक भी थोड़ा यह ठंडा होता हुआ दिखाई दिया था। कारोबार की डिटेल बताने के लिए मैं आपको NSE की वेबसाइट पे लेके आना चाहूंगा। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक 40 रुपए 40 पैसे के आसपास क्लोजिंग दिखाई दे रही है। हाई 40 रुपए 90 पैसे का, लो 40 रुपए 30 पैसे का, और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 40 रुपए 35 पैसे। क्वांटिटी की बात करें 3,21,45,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 1,04,76,000 शेयर की डिलीवरी, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखे तो 32.59। तो यहाँ पे डिसेंट कारोबार की सिचुएशन और यहाँ पे सभी पैरामीटर नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, अभी मैं सीधा आपको दोनों न्यूज़ पे ही लेके जाना चाहूंगा और न्यूज़ को आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो खबर निकल करके आ रही है कि क्वार्टर 1 के नंबर में धमाका होगा। मैं ऐसा बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ये तो आप यहाँ पे क्वार्टर 1 के नंबर खुद ही देखिए और उसके बाद खुद ही तय कीजिए कि क्या वाकई में धमाका होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आपको लेकर के आया हूँ, और यहाँ पे जो रिपोर्ट रिसर्च प्रेजेंट करी गई है, जो रिसर्च कंडक्ट करी गई है वो MT ग्लोबल के द्वारा करी गई है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि MT ग्लोबल यहाँ पे विदेशी एक दिग्गज ब्रोकर है जो कि सभी कंपनियों के ऊपर अपना रिसर्च प्रेजेंट करती है। उन्होंने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक क्वार्टर 1 नेट प्रॉफिट सीज अप 171.4% ईयर ऑन ईयर टू 836.8 करोड़ बाय MT ग्लोबल। मतलब कि पंजाब नेशनल बैंक का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में आने वाला है, ये वो 171% की तेजी के साथ आने वाला है। मतलब कि ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 171% की जंप दिखाई देगी, यहाँ पे ऐसा टाइटल में बताया गया है। तो दोस्तों, मुझे लगता है जो पंजाब नेशनल बैंक के इन्वेस्टर है उनको टाइटल पढ़ के ही यहाँ पे मजा आया होगा। तो अभी मैं आपको पूरी खबर यहाँ पे पूरे क्वार्टर 1 के नंबर कैसे रह सकते हैं जो कि यहाँ पे रिपोर्ट प्रेजेंट करी गई है वो आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेकर के आया हूँ। यहाँ पे देख बताया गया कि नेट प्रॉफिट 836.8 करोड़ आ सकता है, जो कि 171.4% ईयर ऑन ईयर जंप, और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 42.7% की जंप दिखाई दे सकती है इसमें। तो अपने आप में बहुत ही बढ़िया यहाँ पे नेट प्रॉफिट प्रेजेंट कर सकती है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करी जा रही है तो वो भी यहाँ पे 4.8% ईयर ऑन ईयर, और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% अप आ सकता है, जो कि आ सकता है 7,074 करोड़ के आसपास, ऐसा यहाँ पे MT ग्लोबल की रिसर्च बता रही है। प्री प्रोविजन की बात करें तो उस यहाँ पे वो 0.6% ईयर ऑन ईयर बढ़ सकते हैं, परंतु बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो लगभग लगभग 5.8% उसमें भी गिरावट आ सकती है। तो प्रोविजन में गिरावट, प्रॉफिट में तेजी, इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट अपने आप में बहुत ज्यादा एक्सीलेंट आ सकते हैं, ऐसा यहाँ से मालूम पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि रिजल्ट आएगा उसके बाद शेयर प्राइस ऊपर जाएगी, शेयर प्राइस ऑलरेडी भाग जाएगा उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो आपको रिजल्ट का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। पर्टिकुलर लेवल में जो बताता हूँ, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ पे आपको तुरंत ही पंजाब नेशनल बैंक को लपक लेना है, चाहे आप शॉर्ट टर्म में लेना चाहो या तो फिर लॉन्ग टर्म में। दोनों के दोनों यहाँ पे सिचुएशन में आपके लिए जो अभी
प्राइस चल रही है क्योंकि ऊपर की तरफ से अच्छा खासा करेक्ट भी हो चुका है, तो यहाँ पे लेने का मुझे लगता है बढ़िया मौका अवेलेबल है। मैं दूसरी न्यूज़ पे लेके जाना चाहूँगा और उसके बाद हम चार्ट पे जाएंगे एनालिसिस करने। तो दूसरी न्यूज़ भी मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे ही है, तो वहाँ पे मैं आपको लेकर के जाना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरी न्यूज़ भी मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे ही है, यहाँ पे टाइटल पढ़ना चाहूँगा, PNB मूव कोर्ट सीकिंग रिस्टोरेशन ऑफ एसेट ऑफ नीरव मोदीस फर्म कन्फिकेटेड बाय द ईडी। मतलब कि आपको ईडी का मतलब ना पता हो तो बता दो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यहाँ पे जो नीरव मोदी के एसेट थे उसको यहाँ पे होल्ड पे रख दिया था, परंतु पंजाब नेशनल बैंक ने यहाँ पे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है इसको रिस्टोर करने के लिए, इसकी अनुमति देने के लिए। तो देखने वाली बात तो ये होगी कि यहाँ पे अभी जो हाईकोर्ट में इसका क्या डिसीजन निकल करके आता है, इसके क्या फैसला निकल करके आता है। अगर पॉजिटिव फैसला लिया तो सोने पे सुहागा, एक तो क्वार्टर वन के नंबर एक्सीलेंट, और उसमें यहाँ पे नीरव मोदी के एसेट को रिस्टोरेशन करने के लिए भी मंजूरी मिल जाती है। तो दोनों खबरें यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक में यहाँ पे बढ़िया तेजी के तौर पर काम करेगी। तो मैं अभी आपको चार्ट पे ही लेके जाना चाहूँगा और चार्ट पे कहाँ बाइंग का बढ़िया मौका अवेलेबल है वो भी बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मैं आपको सीधा सा चार्ट पे लेकर के यहाँ पे आया हूँ, ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म है आपके सामने और यहाँ पे लेवल मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखे है। मार्केट प्राइस जो क्लोज हुई है 40 रुपये 40 पैसे के आसपास है, मुझे लगता है यहाँ से भी गिरावट की संभावना है। गिरावट पहले तो कहाँ तक होगी, 39 का लेवल दोस्तों याद रखें, यहाँ से ही आपको एक्युमुलेशन स्टार्ट कर देना है। और यहाँ पे मुझे लगता है जो 39 से लेके 37.5 ये लेवल आप नोट आउट करके रखिए, याद रखिए आपके मुंह पे होना चाहिए अगर आप पंजाब नेशनल बैंक को ट्रैक करते हो। 37.5 से लेके 39 का जो जोन है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ से मुझे लगता है बिल्कुल पंजाब नेशनल बैंक आपको रॉकेट बनता हुआ नजर आएगा। तो 39 से 37.5 में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके, क्योंकि ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 37.5 आएगा ही आएगा, हो सकता है 39 के लेवल से ही बूम हो जाए। इसके चलते आपको खरीदारी स्टार्ट करनी है 39 के लेवल से, और यहाँ पे 37.5 तक आता है तो आप एड ऑन कर सकते हो। पहला टारगेट ऊपर गया तो यहाँ पे ऐसा का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, सिवाय के 43.4 का लेवल है वो पहले रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, और इसके ऊपर 45 का लेवल है। वंस ए लेवल दोनों ब्रेक हो जाते हैं तो आपको 49 से 50 तक के लेवल मुझे लगता है वेरी सून दिखाई देंगे, हो सकता है क्वार्टर वन के नंबर के आसपास ही दिखाई दे। तो बाइंग करने का मुझे लगता है सुनहरा मौका है, क्योंकि अभी आपको मैं बताऊँ ये जो लेवल बताया उसको यहाँ पे मंथली सपोर्ट का भी यहाँ पे सहारा है। मैं आपको मंथली चार्ट प्रेजेंट करना चाहूँगा क्योंकि ये तो डेली में बात कर रहा था, मंथली में देखोगे तो जो मैंने लेवल बताया उसी लेवल के आसपास यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और आपको पता होना चाहिए कि मंथली का लेवल अगर सपोर्ट पे है तो वो सपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। यहाँ पे देखिए मंथली का जो लेवल निकल करके आ रहा है वो 37 के आसपास ही आ रहा है, 37.2 के आसपास। तो यहाँ पे मंथली का भी सपोर्ट है और डेली में भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो लेवल है वो टूटना मुझे नहीं लगता है कि हाल फिलहाल में मुमकिन है। यहाँ से बिल्कुल पंजाब नेशनल बैंक रॉकेट बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं फिर से आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आया हूँ, यहाँ पे RSI का लेवल आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा, 43 के आसपास का है। RSI का लेवल हालांकि वीक है परंतु ये बहुत ही जल्दी आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा। तो मैं चाहूँगा दोस्तों इन लेवलों का आप वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। और अगर आप मेरी एडिशनल हेल्प चाहो तो आप मेरी जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की लिंक है वहाँ से जाके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जीरोधा में अकाउंट ओपन करिए, और इसके बाद मैं आपको मेरा टेलीग्राम नंबर और व्हाट्सअप नंबर दूंगा जिसके तहत आप कभी भी कोई भी ट्रेड के ऊपर मेरी सलाह ले सकते हो, मेरा कॉन्टैक्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।